आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक दिनी दौरे पर पहुंचे हैं। मिर्जापुर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बीएलजी इंटर कॉलेज महोवरिया जनसभा में पहुंचे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए हैं और जनसभा को संबोधित किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जनसेवा और सुशासन के रूप में सरकार कार्य कर रही है। गरीब को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी भारत की नहीं अपितु पूरे विश्व से सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। विपक्ष केवल कुर्सी के लिए काम करती है और कुर्सी के लिए लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के गरीब जनता के लिए काम कर रही है। वहीं बलिया जिले की घटना पर कहा, उच्च स्तरीय टॉप 5 के 2 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, यह जांच का विषय है। सभी के ब्लड सैंपल लिए गए, हम सभी लगे हैं। उत्तर प्रदेश में सभी चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सारे चिकित्सालयों में चिकित्सकों को राउंड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। रोगी की दवा सुनिश्चित करने के भी हमने निर्देश दिए हैं। हर संभव इलाज करने का प्रयास हमने जारी रखने के लिए किया है। मिर्जापुर जनपद में आज सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था। मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। मिर्जापुर में जस जंग से जन सैलाब उभरा है। गरीब कल्याण योजनाएँ जन जन तक पहुँची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। माननीय मोदी जी के रूप में उनको एक अभिभावक ऐसा मिला है जो उनके जीवन स्तर को बदलाव लाने में सफल हुए हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। मिर्जापुर के लोगों ने एक मत होकर के इस बार प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2024 में तीसरी बार सरकार बनेगी तो मिर्जापुर में तीसरी बार गठबंधन को जिताने का प्रण किया है, फैसला लिया है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सर, अखिलेश यादव कहना है कि इस बार एनडीए को पीडीयू हराएगा। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, वो सब फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। और जब जब इस प्रकार के गठबंधन बने हैं, चाहे 89 से देवगौड़ा के समय से, आप जानते हैं जनता दल के बाद जो जनमोर्चा बना था उसका भी क्या हाल हुआ, ये भी बुरी तरह से ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं। जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं और जितने भी ये दलों के नेता हैं ये सिर्फ मात्र सत्ता प्राप्त के लिए, कुर्सी के लिए हैं। और जब कुर्सी की बात आएगी पहले ही लड़ के वो आपस में ही उनके पास युद्ध शुरू हो जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है, देश के हर गरीब नागरिक को उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। लगातार हीट स्ट्रोक से मौतें हो रही हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, बलिया की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और वहाँ 2 उच्च स्तरीय जो हमारे लेवल 5 के डॉक्टर हैं डायरेक्टर लेवल के वहाँ बैठाया है। आज हमें कंट्रोल स्थिति नियंत्रण में है। घटना क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उनके ब्लड सैंपल कलेक्ट करके अभी हम लोगों ने जांच के लिए भेजा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि डेथ के कारण क्या थे, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है। हर स्थिति में हमारे चिकित्सकों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। राउंड लगाने के लिए लगातार कहा गया अस्पताल परिसर में रहें और सभी मरीजों की दवाइयाँ हमारे सभी अस्पतालों में उपलब्ध रहे, इसके हमने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा DCU में जो है 2014 में जहां नौकरियां 16 लाख थी इस बार घटके 2022 में 14 लाख। देखिए इस प्रकार के आंकड़े फर्जी वो खुद तैयार करते हैं। राहुल गांधी की जो फर्जी मीडिया फैक्ट्री है वो अपने घर में तैयार करते हैं। अमेरिका में जाकर के जिस ढंग से भारत माता को बदनाम करने का प्रयास उन्होंने किया है, देश और प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये सब चुके हुए लोग हैं, केवल गांधी के नाम के आधार पर बैठ करके भोजन ले रहे हैं। उन्होंने देश के अंदर वास्तव में जो गरीबी है कभी नहीं देखी है। माननीय मोदी जी आम आदमी गरीब आदमी के जीवन स्तर को बदलने में कामयाबियों उठाने में कामयाब हुए। अच्छा, अभी आपने कहा कि खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।